कोरोना में घर बैठ रहा था, क्या करेगी, कुछ मतलब कुछ भी ऐसे साइड इनकम नहीं हो रहा था, पूरा बैठ गया था, पूरा बैठ गए थे। तो देखते हैं कि 50 रुपया में कैसा टेस्ट रहता है और वो लोग कितने सारे हम लोग को आइटम्स देते हैं। लेट्स गो। सो गाइज, आप बिलीव नहीं करोगे, 50 रुपीज के अंदर मैंने रोटला में ये सब मिलेगा सोचा भी नहीं था। अगर मैं ये पूरा भी खा लूँ ना तो वही 50 रुपीज में फिर से रिफिल होने वाला है ये सब चीज। भाई सीरियसली यार, कितना भयंकर लग रहा है। सीरियसली यार, कुल्लड़ के साथ इसको पीने में ना डबल मजा आ गया यार, मस्ट ट्राई। 25 रुपए में आलतू फालतू कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बजाय ये पी लो यार। दोस्तों, अगर आप राउरकेला में हो और आपके जेब में 50 रुपए पड़े हो तो फिर भी आप पूरा दिन पेट भर खाना खा सकते हो। कैसे और कहां, वीडियो के एंड तक बने रहो, पता चल जाएगा। गाइस, फाइनली हम अपने पहले डेस्टिनेशन पे आ गए हैं और अभी हम खड़े हैं पापड़ी चाट स्टॉल के पास। तो हम लोग अपना पेट पूजा पहले पापड़ी चाट से शुरू करेंगे। अभी बिना देरी के चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा क्या मिलता है कुछ यहाँ पे। सो गाइस, ये रहा आरटी ऑफिस और इसके ठीक ऑपोजिट में आपको ये स्टॉल मिल जाएंगे। तो लेट्स गो। ये अभी कट रहे हैं आलू। भैया, हाथ कटने का आपको डर नहीं है? ना, आदत हो गया ये सब काटने के लिए। मैं तो ऐसे स्पीड कभी नहीं काट पाऊंगी। तो अभी हमारे लिए बन रहा है ये पापड़ी चाट। ये अभी गिरे टमाटर, धनिया का पत्ता, नमक, बहुत सारे मसाले। चना मुझे बहुत पसंद है। ये रहा, ये शायद धनिया का चटनी है, लाल चटनी, मीठा वाला, ये इमली। इमली तो कंपलसरी है। भैया, तो आप कोरोना में कैसे एडजस्ट कर रहे थे जब आपका बिजनेस चल रहा था? कोरोना में घर बैठ रहा था, क्या करेगी, कुछ मतलब कुछ भी ऐसे साइड इनकम नहीं हो रहा था, पूरा बैठ गया था, पूरा बैठ गए थे। वाओ, कितना यम्मी दिख रहा है यार। हम लोग जो बाहर थे पुणे में, यही सब मिस कर रहे थे। सो इट्स रेडी नाउ, लेट्स टेस्ट। थैंक यू। सो गाइस, ये रही वो पापड़ी चाट, राइट? यस। तो जिस को खा के हम अपना वीडियो का शुरुआत करेंगे और 20 रुपीज स्पेंड हो चुके हैं हमारे इसके रिगार्डिंग। और ये खत्म करते ही हम फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं। 20 रुपीज हम लोग ने बहुत अच्छी जगह में स्पेंड किया है। भाई भाई, हाथ से खा रहे? नो। पूरा 20 रुपया वसूल हो गया। सो गाइस, 20 रुपए का चार्ट तो हो गया, पहला डेस्टिनेशन में हमारा काम खत्म होता है। बिना देरी के नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं, देखते हैं वहां पे फिर क्या मिलता है। यार देख, एक चीज है, तुम जितना भी बाहर का स्ट्रीट फूड खा ले, अगर एक प्रॉपर लंच ना हो ना, इंडियन को तो मजा ही नहीं आता है। तो हम लोग ने क्या किया, ऐसे ही रास्ते में आ रहे थे तो एक रैंडमली हमने होटल चूज किया, होटल आदर्श। और यहाँ पे हमने जाके पूछा कि आप लोग का वेज थाली कितना है, वो भी मिनिमम। तो उन्होंने बोला 50 रुपीज और उन्होंने बोला कि बहुत सारा आइटम्स है। तो देखते हैं कि 50 रुपया में कैसा टेस्ट रहता है और वो लोग कितने सारे हम लोग को आइटम्स देते हैं। लेट्स गो। सो गाइज, आप बिलीव नहीं करोगे, 50 रुपीज के अंदर मैंने रोटला में ये सब मिलेगा सोचा भी नहीं था।
यार तूने जो बोला ना रौरकेला में तूने सोचा नहीं था, गलत फहमी तूने पाल रही है, रौरकेला में क्या नहीं मिलता है। तो आज वो गलत फहमी दूर हो गई और हम लोग तो अभी यहाँ पे आए हैं, मे बी इससे भी और कहीं जगह पे सस्ता में और बहुत सारे आइटम्स मिल रहे होंगे। सॉरी, ये परवल का जो करी है इसका ग्रेवी देख कितना थिक है, पूरा खांटी ओडिया। देखिए हम लोग ने पहले क्या सुना कि 50 रुपया है, तो हम लोग के माइंड में क्या सेट होगा, दाल तो पूरा जैसे होगा पानी ही डाल के रखा होगा, उसके बाद ये जो परवल की करी है उसमें भी पूरा पानी पानी ही बह रहा होगा। बट यहाँ पे जब मैंने आके देखा ना, सीरियसली बहुत अच्छा उन्होंने बनाया है। ये जो परवल की करी है ना पूरा ओडिया स्टाइल है। राइट, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज तो दिख नहीं रहा है। नहीं, बाकी एक बढ़िया ऑप्शन मिलता है लोगों को फिर ये 50 रुपीस में। राइट, अरे लड़की तेरी तो ये भाजी खत्म हो गई है, अब क्या करेगी, नया आइटम लेगी तो फिर वापस तुझे नए पैसे देने पड़ेंगे। सुनना, उसमें ना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अगर मैं ये पूरा भी खा लूँ ना तो वही 50 रुपीस में फिर से रिफिल होने वाला है ये सब चीज़, देखेगा तुम। वेट, ये एक्चुअली है आम्बुल राई। ठीक है, आम्बुल राई ये एक्चुअली जो मैंगो को सुखा के जो बनाते हैं ना हम लोग का आम्बुल, उसका ये इसको बोलते हैं राई। अरे क्या बात है यार, तू तो 50 रुपये में पूरे होटल अभी साफ करने वाली है रे। गाइस आपके लिए भी एक गुड ऑप्शन है इधर, आदर्श होटल सिविल टाउनशिप। सही है यार, यहाँ तो 50 रुपये में बाड़ी आ रही है। ओ माई गॉड, देखो भैया आके पूछ भी रहे हैं कि और भी क्या चाहिए। भाई 50 रुपये में और क्या चाहिए, बहुत हो गया। फिर चल अभी जल्दी साफ कर, तू तो ख़त्म भी नहीं कर पाएगी आई गेस। तेरे को मज़ा आ रहा है? अबे 50 रुपये में इतना कुछ मिल रहा है तो मज़ा क्यों नहीं आएगा यार। मुझे तो लग रहा है कि आज हम अपना चैलेंज कम्प्लीट ही नहीं कर पाएंगे और पेट में कुछ जाएगा ही नहीं। देख मुझे लगा था ना 50 रुपये में सिर्फ मैं ही खा पाऊंगी, तो दोनों ने ही 50 रुपये में खा लिया है, पूरा आराम से पेट भर के, और मेरा पेट तो निकल के बाहर आ गया है। डोंट शो दैट 50 रुपये भाई, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आ गया यहाँ पे लंच करके। सो गाइस हमारा चैलेंज आज आई थिंक गड़बड़ा गया है, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि 50 रुपीज में आदर्श होटल में इतना कुछ मिल जाएगा। हमारा पेट पूरा भर चुका है यार, आगे आगे के चैलेंज हो पाएगा यार। ऐसे देखा जाए तो तूने 25 का मील खाया और मैंने 25 का मील खाया, और 25 में तो मजा आ गया यार। तो चल देखते हैं, जहाँ भी थोड़ा नींबू शरबत मिल गया तो पी लेंगे। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वहाँ पे। अभी तक कितने हमारे स्पेंड हो चुके हैं? अभी हम लोग का स्पेंड हुआ है 70 रुपीज। सो गाइस फाइनली अपना पेट तो भरा हुआ है, लेकिन उसको हजम करने के लिए कुछ अभी ड्रिंक्स पीना पड़ेगा। भैया यहाँ पे क्या मिलता है? सोडा सिकंजी। और कितना प्राइस? ₹25। एक्चुअली हम लोग रेंडमली आ रहे थे, जब यहाँ बहुत साल पहले मैं आई थी, जब ये दुकान देखी ना मैं, मुझे याद आ गया कि नहीं यहाँ का सिकंजी बहुत टेस्टी लगता है। और कुल्हड़ की वजह से ना बस ठंडा ठंडा लग रहा है। दो मसाला भाई, सीरियसली यार कितना भयंकर लग रहा है रे। सीरियसली यार कुल्हड़ के साथ इसको पीने में ना डबल मजा आ गया यार, मस्ट ट्राई। 25 रुपये में आलतू फालतू कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बजाय ये पी लो यार, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, सीरियसली एक बार ट्राई करके देखो। तो भैया ने बोला मंगल भवन के पास इन फ्रंट ऑफ तरुण ट्रेडिंग रौरकेला। तो गाइस फाइनली हम अपने चौथे स्टॉल पे आ गए हैं, यहाँ पे देख सकते हो बिल्डिंग। जी नहीं, हम इसके अंदर नहीं जाने वाले हैं। भैया अभी हमारे लिए एक हेल्दी सा स्नैक बनाने जा रहे हैं, जो कि है सिर्फ स्टार्टिंग 10 रुपये। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है।
अभी मजा आएगा ना भिड़ू। सो गाइस अभी ऑलमोस्ट शाम होने आए हैं और 4:00 समथिंग हो चुका है और थोड़ा सा स्नैक्स टाइप का और ये हेल्दी स्नैक्स हमने चुना है। और आप एक मजे की बात सुनोगे क्या हुआ हम लोग के साथ आज एक ट्रेजेडी। हम लोग ने कोशिश की है हर एक छोटे छोटे वेंडर के पास जाने की और हर एक जन बोल रहे हैं आप वो मोमो वाले हो ना प्लीज़ अभी हम लोग का वीडियो मत बनाइए ना, मैं अच्छे से सेटअप कर दूंगा तब आप हम लोग का वीडियो बनाए प्लीज़ भैया। टेस्टी टेस्टी आइटम्स अगर ऐसे मिले भैया हम कैसे छोड़ सकते हैं, ये बहुत टेस्टी है। और ये भैया ने भी हम लोग के सारे वीडियो देखे बोल रहे कि आप कल आओ ना हमें पूरा अच्छे से सेटअप कर दें। यार हम लोग कैसे ऐसे रहेगा तो हम किसी का भी वीडियो नहीं बना पाएंगे फिर। ओके फिर इसको क्या करेगी तू, पार्सल कर देगी क्या, खा पाएगी, पेट तो सुबह से भर गया पूरा। यार खाना पड़ेगा हम लोगों को। पहले तो मेरा अपना गेटअप देखा। वाह बहुत ही लाजवाब यूट्यूबर है तूरे। सबसे शॉकिंग बात यह है कि हमारा अभी तक 95 और ये 10 105 रुपए खर्च हुए हैं। 105 में हम दोनों ने सफिशिएंट खाया है, मतलब पर हेड कितना गिरता है फिर। तो गाइस पर हेड 52.50 रुपए पड़े हैं हमको और अभी तक पेट भर के खा चुके हैं यार। तो गाइस ये रहा भैया का स्टॉल, लिंक का स्टॉल और भैया मास बस होटल दीप्ति है उसके बाजू में ही ये भैया का स्टॉल है। सो दोस्तों आप देख सकते हो हम दोनों की हालत, लगभग 100 रुपए में हम दोनों ने कूट कूट के खाया आज। तो भाई सबसे खास बात लगी आदर्श होटल का जो मील था ना लंच का, भाई आदर्श होटल का मील सबसे बेस्ट था। इतने सारे आइटम्स वापस रिफिल भी करा के देते हैं वो लोग उसी 50 रुपए में। यार एक बार जरूर बनता है आदर्श होटल में आके ट्राई करने को, यार सीरियसली मजा आ गया। हमारा टारगेट था 100 के आसपास ही रुकने का, 100 क्रॉस हो गया अभी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि पेट तो भाई हम लोगों का 50 रुपए के बाद ही भर गया था। सो गाइस निकलते हैं अभी हम वापस घर निकलते हैं। थैंक यू फॉर 5000 सब्सक्राइबर्स। हां 5000 तो खींच खांच के 5000 क्रॉस कर गए हम लोग भाई, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओह पसीने से लथपथ लथपथ, ये वाला दिखा दे। तो गाइस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक इंतजार करिए हमारा और आई होप आपको पता चल गया होगा क्या बोलना चाहता हूँ मैं। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।